हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मनीष एंड आई एम अंशिता। आई होप आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि हम कर्नाटका के 8-9 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया कि हम मुंबई से मैंगलोर कैसे पहुंचे और वहां से हम कुर्ग कैसे पहुंचे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको कुर्ग घुमाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। सो अभी हम सो के उठे हैं एंड चाय पी रहे हैं। सो इसके बाद एक घंटे में वी विल लीव फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इन दिस ट्रिप। ये एकदम देखो, यहाँ पे प्लांटेशन है, हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। इतना शांति, इतना सुंदर दिख रहा है, वो सनराइज हो रहा है वहाँ से पीछे। अंशिता क्या कर रही है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने सारे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारे एलिफेंट कैंप पे, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, 9 से 11 ही खुलता है वो सुबह। तो हम ब्रेकफास्ट रूम पे ही खा रहे हैं, जबकि हमारा है होटल में, बट अभी ये हम खा के बस जल्दी से निकलेंगे। तो अभी हम पहुंच गए दोबारे एलिफेंट साइड पे। तो देखते हैं, अभी 9 बजे से लिखा हुआ है कि टिकट मिलती है, अभी थोड़ा हम 5 मिनट पहले हैं, लेट्स सी। तो ये राफ्टिंग के लिए टिकट यहाँ से मिलती है। क्या है कि पानी का लेवल बहुत कम है, तो रिवर राफ्टिंग तो नहीं हो रही, उसके नाम पे बोटिंग हो रही है। तो अगर आपको करनी है तो कर सकते हो। नहीं, वैसे तो आप राफ्टिंग करके भी जा सकते हो, लेकिन पानी बहुत कम है, तो हम वहाँ आगे चल कर जाएंगे और हम बहुत एक्साइटेड है, ये ज़्यादा एडवेंचरस है। क्यूट ये चीज़ है कि हम हाथियों से मिलने जा रहे हैं और मैंने हाथी वाली क्यूट टी शर्ट पहनी है। बहुत पत्थर है, पानी है, तो बहुत आराम से हमें जाना पड़ेगा। हाथी ऐसी आवाज निकालेगा पास से, मैं तो डर जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, मॉर्निंग 9 to 11 एंड इवनिंग 4:30 to 5:30। ये है एलिफेंट बेदिंग पॉइंट, हम पहुँचे हैं यहाँ पे। ये हाथी को नहलाया जा रहा है। सही में गंदा कर रहा है अपने आप को। नाउ बेदिंग टाइम इज डन, अब हम जा रहे हैं सन बेदिंग के लिए। सूखना भी तो है अपने को। को नहलाया है और इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस है, वो इतने जेंटल होते हैं और इतने ह्यूज होते हैं, बट बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है देख के कि वो अपना मुंह खुद क्लीन कर रहा था, इट वॉज अमेजिंग। उसने बीच बीच में अपनी सूंड से हमारे ऊपर पानी भी डाला, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था ये। ये देखो, यहाँ पे और भी हाथी हैं जो अपनी नहाने की टर्न का वेट कर रहे हैं। हेलो, दिस इज छोटा हाथी, बड़ा हाथी। काफ़ी बड़ा एरिया है ये और हैं काफ़ी सारे 23 एलिफेंट्स हैं यहाँ पे।
देखिए देखिए खाना चोरी करते हुए हम, वो ढूंढ रहा है घास, ढूंढ रहा है खाना, देखना उसका जो गिरा हुआ इधर उधर, हाँ वो ढूंढ रहा है। हे देख 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 उसको घास दिख रही है, घास दिख रही है, घास देख देखना वो गिर जाती है उससे, ठीक उसे पता कैसे चल रहा है, देख तो रहनी है हाँ देख खा गया खा गया खा गया छोटी सी घास, इधर है इधर इधर है, ओए ओए बुद्धू इधर है इधर। फिश की दुनिया से जू ख़त्म हो जाए और इस तरह के रिजर्व्स या फॉरेस्ट जो हैं वो बचे रहें और जानवरों को पिंजरों में ना रखा जाए। यहाँ पे आके हमें एक बात ये भी अच्छी लगी कि इन जानवरों को कुछ टाइम के बाद सारे टूरिस्ट को बाहर निकाल के खुला छोड़ दिया जाता है और वो यहाँ पर फ्रीली आज़ादी से घूम पाते हैं। एलिफेंट कैंप के बाहर ही बहुत सारी शॉप्स हैं अलग अलग तरीके की, खाने की, स्पाइसेस की, कपड़ों की, तो बहुत कुछ है, आप खा पी सकते हो आराम से और बैठ सकते हो थोड़ी देर। तो अभी हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि है चिखली होल रिजर्वायर, वहाँ देखते हैं कितना पानी है नहीं है क्या सीन है। तो अभी हम पहुँचे हैं चिखली होल डैम, चिखली होल रिजर्वायर, तो आपको दिखाते हैं। ये है चिखली होल डैम, पानी का लेवल काफ़ी कम है अभी, बट आई थिंक मानसून में ये काफ़ी अच्छा और भी बेटर सुंदर दिखता होगा। चिखली होल डैम वॉज बिल्ट इन 1985 और इसके पानी से आसपास के गांवों तक बहुत सारा पानी और पहुंचाया गया और इसका यूनिक फीचर है इसका सेमी सर्कल शेप, ये सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर दूर है और इसका सीज़न जो बेस्ट सीज़न है वो है मॉनसून, ताकि आप इस डैम को पानी से लदा बदा देख सकें। और आगे जाके खूब आगे जाके यहाँ पर रिजर्वायर है जहाँ पर मॉनसून के टाइम पर पानी बहुत एक यूनिक तरीके से फ्लो करता है और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए लिखो क्या क्रोकोडाइल एरिया। ये अगर आप देख सकते हो ये गोला सा जो दिख रहा है, काफ़ी सारी फोटोज़ में आपको दिखेगा कि इसमें पानी एकदम मस्त दिखता है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली पानी का लेवल बहुत कम है तो ये खाली पड़ा है, बट हाँ अगर आप मॉनसून में आओगे तो काफ़ी सही दिखेगा। हम आ गए हैं नैम्ड रोलिंग मॉनेस्ट्री, जिसको गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। तो ये जिस शहर में है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो दिखाते हैं हम आपको अंदर जाके। वाओ, लुक्स क्वाइट एक्सक्विजिट, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये मॉनेस्ट्री जो है वो है नैम्ड रोलिंग और इसे यहाँ पे पूर्व में गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। ये 1963 में बनी थी और तिब्बतियंस का बहुत बड़ा सेटलमेंट इंडिया में जो है वो यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग आपको दिख जाएंगे इस मॉनेस्ट्री में, बहुत सुंदर बनी हुई है, बहुत अच्छा गार्डन है और बुद्धा का अंदर 60 feet जो स्टैचू है वो बहुत सुंदर है, गोल्ड प्लेटेड है।
मेरे अगर आप पीछे देख सकते हो तो ये एक मॉनेस्ट्री स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं, स्कूलिंग होती है उनकी। ये आई थिंक 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो काफ़ी सारे मॉन्क्स हमें दिखे यहाँ पे। मॉनेस्ट्री के बाहर ही बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। तो अभी हम आए हैं कुंगफेन कैफ़े एंड फूड में। ये कैफ़े है, ये बिल्कुल मॉनेस्ट्री के जस्ट आउटसाइड है। हमने कुछ मोमोज और जूस ऑर्डर किए। मैं बहुत थक गया हूँ। मोमोज, अंशिता टूट पड़ो। तो हम यहाँ पर मोमोज खाते हैं, हमारा पूरा पेट को भरा नहीं था, तो हम फिर अभी आ गए टॉप इन टाउन और वहाँ पर हम बैठ के पकौड़े खा रहे हैं। हम इसे लंच की तरह खा रहे हैं और अब चाय भी आने वाली है। अभी थोड़ा मीठे का टाइम है तो अभी हम जा रहे हैं वेंकटेश्वर अयंगर बेकरी। खाना है, खाना है। और दूसरा भी तो बोल दो। अभी हम आ गए हैं निसर्ग धाम, तो अभी हम टिकट काउंटर के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, कितने की टिकट है। ये लिखा हुआ है कुछ एडल्ट्स की है 60 रुपए की। चलो निसर्ग धाम। और ये वाला बैम्बू जो ब्रिज है ये आपने बहुत सारे फोटोज में देखा होगा, तो हम अभी इसी को कवर कर रहे हैं। एंड आई कैन सी मनीष इज वेरी हैप्पी सीइंग दिस ग्रीनरी अराउंड। यस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखिए आप, कॉटेजेस हैं, बर्ड पार्क है, एडवेंचर पार्क है, डियर पार्क है, बोटिंग होती है, सब कुछ है, तो वी विल एक्सप्लोर इट। सारे बैम्बूज लगे हुए हैं और इसीलिए इस जगह का नाम बैम्बू पार्क है, और आगे तक काफ़ी हद तक झुंड में बैम्बूज लगे हैं। तो अभी निसर्ग धाम के अंदर हम आए हैं बर्ड पार्क में। बहुत सारे अच्छे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। I have never seen one in my life. It was amazing. You should come here.
बहुत चलिए हम आज, काफ़ी चलिए, और अभी हम एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। अमेजिंग प्लेस, इफ यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ पीपल हैविंग फन, बच्चे बूढ़े यंगस्टर्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस। तो इस जगह पे आप दिसंबर टू मई ही आ सकते हो, क्योंकि उसके बाद मानसून शुरू हो जाते हैं एंड उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, यहाँ बैठ नहीं सकते हो। अंशदाम कहाँ जा रहे हैं? वोटिंग करने, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो, ये है पानी वाली परी। तो मैं और मनीष बैठे हैं वोटिंग करने और अब हम पानी में जा रहे हैं अपनी बोट, अपनी नैया चलाते हुए। बड़ा मजा आ रहा है, ये मेरी बकेट लिस्ट में था तो मनीष को मैंने बैठा लिया है वोटिंग। बड़ा मजा आ रहा है, हमारी नाव इधर उधर जा रही है। तो अभी हमने बोटिंग भी कर ली है, अभी बस एक डेस्टिनेशन बची है जहाँ पे हम देखेंगे सनसेट, तो विल सी यू देयर। हम पहुंच गए राजा सीट, ये कूर्ग की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है। तो यहाँ पे सनसेट के लिए आए हम। अंशिता भी टिकट ले रही है, 20 रुपये की टिकट है। काफ़ी सुंदर है, एकदम फूलों से भरी हुई है, अलग अलग तरीके के काफ़ी नाइसली मेंटेन्ड फ्लावर्स हैं। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आपको आके अच्छा लगेगा। What a beautiful sunset happening behind me. You can all have a look. So finally the sun has set and I saw people clap. So yeah, so let's call it an end of the day. Now we will go to some nice place for dinner. अचानक से यहाँ पे कुछ वाटर शो शुरू हो गया जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, तो लेट्स सी कैसा है। अभी हम आए हैं उडुपी गार्डन डिनर के लिए। अंशिता देखो एकदम ऐसा लग रहा है, खा जाएगी सब। हाँ खा जाओ अभी सारा। गुड मॉर्निंग, सो अभी हम सुबह सुबह 4:30 बजे उठ गए। अभी हम जाएंगे मंडाल पट्टी पीक, वहाँ पे सनराइज देखने। सो होपफुली वी विल बी एबल टू कैच द सनराइज, अदरवाइज सुबह उठना वेस्ट हो जाएगा। नहीं 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 होगा। चला के लेके आया, थैंक्स टू हिम, ही ऑलवेज चेंज्ड ऑन द रोड।
फाइनली गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, कोई तो दरवाजा दिख रहा हमें, एकदम हम जान पे खेल के आए। तो गाइस अब अभी हम पहुंच गए हैं ये मंडालपट्टी पीक के ड्रॉप पॉइंट पे। यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके हम ऊपर पीक तक जाएंगे। ये पॉइंट है जहाँ तक जीप्स आती हैं, थोड़ा सा 200 मीटर आपको ऊपर वॉक करके जाना पड़ता है। हाँ जी, यू ऑल फाइन? यस, मेरी किडनी और हार्ट ने बस जगह बदल ली है, बाकी आई एम परफेक्टली फाइन। उफ, पूरी मेहनत हो रही है। चलो। अभी हम पहुंच गए हैं मंडालपट्टी पीक। ये पीछे पूरा आप देख सकते हो क्या व्यू है। तो हमें अराउंड 40 मिनट्स लगे हैं जीप से यहाँ तक आने में। क्या रास्ता था, ऐसे टुमक टुमक के आए हम, बट फाइनली वी आर हियर एंड द व्यू इज जस्ट ब्यूटीफुल। बहुत ही अमेजिंग है एकदम व्यूज अगर आप देखोगे पूरे। और मॉर्निंग में आना अच्छा है क्योंकि एक्चुअली आफ्टरनून में या बाद में काफ़ी धूप हो जाएगी यहाँ, और अभी जैसा व्यू दिख रहा है और इतना कम लोग हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू कम हियर। आने के लिए आपको जीप करनी पड़ेगी जिसका कॉस्ट है अराउंड 2500 से 3000 पर जीप। तो अगर पॉसिबल है तो आप और लोग भी ढूंढ सकते हैं अगर जिनको आना है, तो आपका कॉस्ट शेयर हो जाएगा। तो हमने भी वैसे ही किया, हमने दो एक कप और कपल मिल गया तो हमारा प्राइस आधा हो गया, सो दैट इज़ बेटर। अभी हम मंडालपट्टी पीक पे जाके आ गए हैं अपने रूम पे। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे एंड आके थोड़ी देर और सोएंगे क्योंकि वी वोक अप एट अराउंड 4 in the morning, सो फीलिंग अ बिट टायर्ड, और उसके बाद फिर दोबारा निकलेंगे। हम खाएंगे ब्रेकफास्ट, ये हमने डोसा लिया है, ये पुट्टू है, पता नहीं क्या है ये पुट्टू, ये अंडा कड़ी। तो हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हाउ इज इट? अच्छा, वेरी टिपिकल टेस्ट है बट अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड, हां वेरी सॉफ्ट, नाइस, यू ट्राई इट अगेन। यस आई विल। हमेशा अपने काम की चीज ढूंढ लेती है। सो अभी हम
करीबन 1 बजे अभी हम जा रहे हैं एबी फॉल्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं एबी फॉल्स, अभी हम अंदर जाएंगे। कॉफी हो सकती है। हाँ, तो कहीं से अभी पानी की आवाज़ आ रही है। होपफुली हम अभी फॉल्स के पास पहुँच गए। तो आई थिंक जहाँ पे हमारी गाड़ी ने हमें उतारा वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतर के आपको पहुँचने के लिए एबी फॉल्स सीढ़ियाँ उतर के जाना होगा। तो आई थिंक हम वी आर ऑलरेडी हेयर। अप्रॉक्सीमेटली 5-7 मिनट लगे हमें पहुँचने में। तो ये रहा फॉल्स, दिस इज़ एबी फॉल्स। हम अभी मार्च में आए हैं तो काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पे। बट तो इमेजिन कि जब मॉनसून में कोई आएगा तो कितना पानी होगा। सारी सीढ़ियां हमें वापस चढ़ के जाना है, तो चलो चलते हैं। अभी तो के आसपास जो आपको ग्रीनरी दिख रही है उसमें आपको बहुत सारे कॉफी के प्लांट दिख रहे हैं, क्योंकि ये कॉफी प्लांटेशन के बीचों बीच एक वाटरफॉल है। तो एबी फॉल से निकल के हम लंच करने के लिए जेन ट्री कैफे आ गए हैं, और काफ़ी अलग सा कैफे है, बहुत सारे लोग हैं बट सुंदर है। हमने ये डेलर कॉफ़ी ऑर्डर करी है, दिस इज कूर्ग स्पेशलिटी मेड विद जैगरी। सो विल हैव अ सिप एंड टेल यू हाउ इट इज। I hope it would be good. Is good. It? It's good. Good. It's very different, but it's good. Then I will also drink it. तो हम खा रहे हैं एकदम टपरी पे बैठ के। ये रोटी की चटनी होती है, स्पेशल रोटी जिसमें मसालेदार जो खाना भी बहुत स्वाद है, और टपरी की चाय को कौन बीट कर सकता है। सो अभी हम आए हैं मदिकेरी फोर्ट। ये एकदम कूर्ग के सिटी सेंटर में बीचों बीच है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बट हमारी आज की प्रॉब्ली ये लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद हम आराम से रूम पे जाएंगे। हम एकदम धूप में पूरे किले की परिक्रमा लगा रहे हैं और बस अच्छी बात यह है कि धूप गर्म नहीं लग रही है तो चला जा रहा है। वैसे मज़ा आ रहा है बट किला एकदम खंडर पड़ा है, और इसीलिए शायद इसमें बहुत सारी जगह पर रेनोवेशन चल रहे हैं। कुछ कुछ स्पाइसेस खरीदे, क्या क्या खरीदे अंशिता? हमने खरीदी है दालचीनी, हमने खरीदी है स्टार एनिस, हमने खरीदा है कस्तूरी मेथी, लौंग, इलायची और काली मिर्च। बस बस गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि अभी होटल वाली चाय तो लेट मिलेगी, तो हम अपने प्री चाय वाले पैकेट्स लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी सुबह बिना चाय के तो नहीं होती। देखो तो गुड मॉर्निंग चाय के साथ ही होती है एकदम। तो मनीष बना रहा है मज़ेदार सी चाय। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम जा रहे हैं, एक रिवर स्ट्रीम है हमारे होटल के पास में, तो वहाँ जा रहे हैं। वाव, एकदम से मिस्टीरियस सा रास्ता लग रहा है, तो लेट्स सी व्हाट द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। चिदा ने एक डंडा उठा लिया है। ये पेड़ देखो, ये इसकी ब्रांचेस ये हैं, और एक ब्रांच देखो। तो फाइनली हम रिवर स्ट्रीम तक पहुंच गए हैं। ट्रेल है जिससे हम आए थे, और अभी हम वापस जा रहे हैं, अपने होटल जाएंगे, रेडी होंगे और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। अंशुधारिया पीछे एकदम थक गए हैं, आ जाएगी आने की कोशिश तो करनी है। वो देखो दूर से अंशुधारिया अपनी सोटी के साथ, उसको भी बर्ड की आवाज सुनाई दी तो फिर घूम गई वो। आजा आजा, अभी हम होटल पे ब्रेकफास्ट करके निकले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है एक कॉफ़ी प्लांटेशन। तो हमने ये टूर पहले से ऑनलाइन बुक करके आए थे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स सी, वी आर वेरी एक्साइटेड। सो वी आर एट द मरकेरा गोल्ड कॉफ़ी एस्टेट कॉफ़ी प्लांटेशन, एंड हम अभी, हमारा एक टूर है जो 10 बजे शुरू होगा, अभी 15 मिनट है। तो हमने ये ट्रिप एडवाइजर से बुक किया है, यू कैन बुक इट विद लंच और विदाउट लंच। हमने विद लंच नहीं बुक किया है, विदाउट लंच किया है। उसका कॉस्ट पर आया है 350 रुपये पर पर्सन। तो अभी टूर स्टार्ट होगा, उन्होंने बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का टूर है, इसमें वो पूरा हमें दिखाएंगे, फिर उसके बाद कॉफ़ी टेस्टिंग भी होगी एंड में। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सो या इट लुक्स लाइक अ रियली गुड एस्टेट, सो इसका रिव्यू हम आपको देंगे जब हम ख़त्म कर लेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि हम रेन ट्री गए थे, और ये रेन ट्री का ही जो कॉफ़ी प्लांटेशन है ये भी उन्हीं का है। तो अगर आपको ये बुक करना है टूर, तो आप रेन ट्री में जाकर भी बुक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं 10 बजे के बाद, और आप अपना कॉफ़ी प्लांटेशन का जो पूरा टूर है उसे बुक कर सकते हैं। ये पहले रेड होता है रोस्ट करने के। ऐसे उसका फ्रूट था, और उसके अंदर जब उन्होंने उसे पिचकाया तो दो ये
ऐसे देखो कॉफी बीन्स निकले। ये अरेबिका और रोबस्टा का दो को मिक्स करके सब कॉफी बनाता है। इंस्टेंट कॉफी, फिल्टर कॉफी, नेस्कॉफी, ब्रू कॉफी, मोफन कॉफी, टर्किश कॉफी, कोल्ड कॉफी, मीटर कॉफी, कैपेचिनो, कैफे लाटे, कैफे मोका, ऑल द वैरायटी कॉफी। कॉफी के फूल है ये, जब सूख जाते हैं तो इनको एकदम वो ग्रीन सीड में टर्न होते हैं, फिर वो रेड सीड में टर्न होता है, और ये बड़े सुंदर और उनकी बड़ी अच्छी खुशबू है। ये कोको है, कोको जो केक्स में चॉकलेट्स में डलता है। ये है ग्रीन कार्डमम इलायची। हेलो, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम इलायची खा रहे हैं, हमने काली मिर्ची खाई है, और अभी भैया ने हमें लौंग भी दिखाया था, और उसका मजेदार था कि लौंग का पत्ता भी बिल्कुल लौंग जैसे ही टेस्ट करता है। तीन कप्स लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट, रोस्ट में अलग अलग होता है। ओ अच्छा, तो जो हमें कलर दिखता है वो आफ्टर रोस्ट दिखता है। हाँ, इसे रोस्ट नॉर्मल वो जो बीन्स होते हैं वैसे ही दिख रहे होते हैं। हाँ। तो कॉफी रोस्टिंग मशीन में अभी हमने ये सब देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं कॉफी म्यूजियम। मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। आप कॉफ़ी के पता नहीं कितने कप पी चुके हो, बट कॉफ़ी कहाँ उगती है, वो आप तक जब पहुँचती है तो वो जैसी दिख रही होती है कैसे दिखती है, वो सब जानना बड़ा मज़ेदार है। बड़ा मज़ा आया, इतने सारे मसाले जो मैं अपनी किचन में यूज़ करती हूँ वो मुझे समझ में आया कि कोई जड़ से उगता है, कोई पत्ती पे उगता है, कोई कली होता है, और कोई तो तना होता है। तो बड़ा मज़ेदार था, और खूब सारी बर्ड्स देखी मैंने यहाँ पे, तो मैं तो एकदम खुश हूँ। द कॉफी प्लांटेशन टूर, वी ऑल्सो गेट फ्री कॉफीज, वी आर वेरी हैप्पी। ये भी हम आए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, यहाँ का कुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। सो अभी हम फिर से आए हैं उडुपी गार्डन लंच के लिए। अब हम जा रहे हैं नगर होले, और वहाँ पर हम बहुत सारे जानवरों को देखने वाले हैं होपफुली, और हम जीप सफारी करेंगे, वो भी होपफुल है अभी क्योंकि अभी हमने बस वाला बुक किया हुआ है, वहाँ जाके हम देखेंगे कि अगर वो जीप वाला कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा। तो अभी हम कुर्ग से निकले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है, अराउंड 75 किलोमीटर है। सो या सो थोड़ा सोते हुए जाएंगे, थोड़ा सा देखते हुए जाएंगे। एरिया है वो करीबन 850 किलोमीटर स्क्वायर है तक ये फैला हुआ है पूरा, और इसके अंदर 125 टाइगर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और बहुत सारे एलिफेंट्स और अदर इंडियन एनिमल्स जो है वो आपको स्पॉट करने को मिलेंगे। यहाँ पे बंदरों का WWE चल रहा है, ऐसे एक दूसरे को पटक पटक के मार रहे हैं भाई साहब, वो भग गए दो लोग। छोटा बंदर, बड़ा बंदर, रे मिस्टेरियो और अंडरटेकर की लड़ाई हो रही है। शायद ये हमारी बस होगी जिसमें हम टाइगर रिजर्व के लिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें जीप सफारी नहीं मिली, अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन भी हमने चेक किया था और यहाँ आके भी चेक किया, तो वो हमें नहीं मिली। तो अब हम बस पे बैठ रहे हैं, और हमें सबसे आगे बड़े मज़े से बैठे हैं बस में, एंड लेट्स होप एंड विश कि हमें बहुत सारे टाइगर्स और बाकी एनिमल्स दिखेंगे। Thank you.
हमें इसी जगह पे टाइगर दिखा था, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं क्लिक करने लगा वो वहाँ से भाग गया, सो हम उसकी फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सके। सो अभी हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं, अगर दो दोबारा से आए। तो अभी हम नगरोल टाइगर रिजर्व से आए हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, 1.5 घंटे की सफारी थी। वी हैड अ वेरी रियली रियली गुड टाइम। हमें काफ़ी सारे जानवर दिखे, वी ऑल्सो स्पॉटेड टाइगर, एलिफेंट्स बहुत सारे थे, डियर थे बहुत सारे, और बाइसन दिखा, और भी बहुत सारी चीज थे। आई थिंक जैसे कि नील गाय थी, और दूसरे जो अलग तरीके के डियर का एक और वेरियंट होता है वो भी दिखा, तो काफ़ी मज़ेदार था और बहुत हरा भरा है। और सबसे आखिरी में वापस आते वक्त हमें दिखा वो पूरा एलिफेंट्स का झुंड जो था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो बड़ा अच्छा था। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम। सो अभी वी जस्ट हेडिंग बैक, अभी 2 घंटे की ड्राइव बैक होम है। सो वी आर रियली टायर्ड। हमारा मस्त एकदम खाना आ गया डिनर, एंड अंशिता ने ज़्यादा लंच में कुछ खाया नहीं, तो अभी वो टूट पड़ी है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत मज़ेदार लगी हो, आपको देखने में बड़ा मज़ा आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उस वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स करें।